Friends, welcome to our channel Agree with Dhawan. Today we further continue our entomology series. Today we discuss about the insect abdomen and its appendages. जो हमारा abdomen होता है वो last वाला region होता है total insect body का, क्योंकि first वाले head आ गया, फिर हमारा thorax, फिर हमारा abdomen. Usually 10 से 11 segment present होते हैं हमारे abdomen के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा एक flexible region होता है पूरी insect body का. Means ये हिलने डुलने में अपना एक important role play करता है. जो अब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, प्रत्येक सेगमेंट को हम यूरोमर बोलते हैं, और सारे के सेगमेंट्स को यूरोमर्स बोलते हैं. मींस 10 से 11 सेगमेंट है, उसमें से प्रत्येक सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, यूरोमर बोलेंगे. दीज सेगमेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन. ये सब सारे के सारे सेगमेंट्स एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा. ये सब हमें डायग्राम से सारा का सारा समझ में आ जाएगा. ठीक है, कोई भी अब्डोमिन सेगमेंट होता है उसकी तीन लेयर्स होती हैं बेसिकली. जो अपर वाली लेयर होती है जो डोर्सल होती है वो डोर्सल टर्गम होती है, वेंट्रल साइड वाली हमारी स्टर्नम होती है, और लेटरल साइड वाली हमारी प्लूरोन होती है, प्लूरा बोलते हैं हम उसको. ठीक है, ये देखो मान लिया हमारा अब्डोमन वाला रीजन है. जो ऊपर वाली प्लेट होगी बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, टर्गम. नीचे वाली को हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम. और जो साइड वाली है इनको हम क्या बोलेंगे, प्लूरा. ये हमारा इंसेक्ट अब्डोमन के बारे में है. अब देखो स्मॉल लेटरल ओपनिंग्स जिसे हम स्पाइरेकल्स भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट 8 अब्डोमन सेगमेंट्स पे. मीन जो पहले 8 सेगमेंट है, 10 से 11 तो टोटल हैं, उसमें से जो पहले 8 हैं उनके ऊपर हमारे छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होंगी जिसे हम स्पाइरेसेल्स बोलते हैं, जो मेनली रेस्पिरेशन में जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो रेस्पायर करने में इंसेक्ट को हेल्प करती हैं. एक टिम्फेनम नाम का एक पेयर भी प्रेजेंट होता है किसी भी अब्डोमन के एक सेगमेंट पे. मीन्स जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है उसका इसका अब्डोमन का, उस फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर किसी भी साइड में एक टिम्फेनम नाम का एक ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, जो मेनली ग्रास ऊपर में प्रेजेंट होता है. एक ऑडिटरी ऑर्गन होता है, मीन्स जो ऑडिशन वगैरह में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये फर्स्ट सेगमेंट में हमेशा प्रेजेंट होगा ग्रास ऊपर के अंदर. जो इस हमारा अब्डोमन सेगमेंट है इसके अंदर कोई लोकोमोटर अपेंडेजेस नहीं होती, मीन्स इसका चलने फिरने में कोई काम नहीं होता, लोकोमोशन में इसकी कोई रोल नहीं होता. कुछ लार्वल स्टेजेस में ऐसा पाया जाता है कॉमनली, जिसे हम सूडो लेग्स भी कहते हैं. लार्वल स्टेजेस में कुछ लेग्स पाई जाती हैं, उन लेग्स को हम सूडो लेग्स भी बोलते हैं. लेग्स कौन से रीजन में पाई जाती है हमारी, थर्ड सेगमेंट पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे और टेंथ पे. इन्हें हम प्रोलेग्स बोलते हैं या सूडो लेग्स बोलते हैं. ये इन अब्डोमन सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है लेपिडोप्टेरल लार्वा में. मीन्स अब्डोमन के जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और टेंथ, इस सेगमेंट पे हमारे हमारी जो प्रोलेग्स हैं वो प्रेजेंट होंगी. जो फर्स्ट टू सेवन हमारा होते हैं अब्डोमन के सेगमेंट, वो उन्हें हम कहते हैं प्रीजेनिटल सेगमेंट्स. मीन्स जेनिटल रीजन से पहले वाले सेगमेंट, एक से लेके सात तक. और एट्थ और नाइन्थ हमारे जेनिटल सेगमेंट होते हैं, और टेंथ और इलेवेंथ हमारे पोस्ट जेनिटल सेगमेंट होते हैं. जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारा नाइन्थ सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है. एक बार इन सब को हम एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ठीक है, ये देखो टोटल 10 से 11 सेगमेंट होते हैं हमारे लगभग यहाँ तक. ये इंसेक्ट का अब्डोमन है. अब्डोमन का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्शन और मेटाबोलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है. जो ऊपर वाली लेयर थी वो हमारी क्या थी, टर्गम थी, और हमारे नीचे वेंट्रल साइड वाली स्टर्नम थी, और साइड वाली हमारी क्या थी, प्लूरोन होती हैं. ठीक है, टोटल 10 से 11 सेगमेंट होते हैं, और पहले 8 पे देखो छोटे छोटे होल, स्पाइरेकल 1 हमारा स्पाइरेकल योगी, सारे के सारे यहाँ तक 8th सेगमेंट तक ही प्रेजेंट होंगी. और फर्स्ट सेगमेंट में ग्रास ऊपर के अंदर एक टिम्फेनम भी पाया जाएगा, ये इसके मेन फंक्शन है. ठीक है, और लेयर मैंने आपको बताई दी है, और जो पहले 7 हैं उनको हम परिजेनेटल बोलेंगे, और 8th और 9th हमारे जेनेटिकल हो गए, जेनेटाइल हो गए, और 9th के बाद वाले हमारे पोस्ट जेनेटल ऑर्गन होंगे, मीन्स पोस्ट जेनेटल सेगमेंट होंगे हमारे. जो ट्रायंगुलर डोर्सल प्लेट होती है 11 सेगमेंट के ऊपर, उसे हम एपिप्रोकट बोलते हैं, और एक पेयर्ड लेटरल जो लेटरल साइड वाली बोल प्लेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैराप्रोकट. एक हमारी क्या होगी, एपिप्रोकट, और दो हमारी क्या होंगी, पैराप्रोकट. और सरसी होता है एक ये सेंसरी ऑर्गन होता है बेसिकली. ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, हमारा एपिप्रोकट है और जो पैराप्रोकट है 11th सेगमेंट पे हैं, जो 11th अब्डोमिनल सेगमेंट पे हैं उनके बीच में ये एक पेयर ऑफ सरसी प्रेजेंट होगा. इसका सरसी का मेन फंक्शन क्या है, हमारा सेंसरी होता है फंक्शन में.
इसका एक इम्पोर्टेंट रोल उसमें भी होता है, मीन्स हमारा डेंजर को डिटेक्ट करने में, उससे प्रिवेंट करने में, कई बार ये एक काटे काटे के रूप में भी काम करता है। और जो पोस्टीरियर सेगमेंट होते हैं अब्डोमन के, ये बेसिकली किसमें यूज होते हैं, मेटिंग के दौरान, मेल और फीमेल के अटैचमेंट के दौरान ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, लास्ट वाले सेगमेंट्स का। और ओवी पोजिशन मीन्स जो अंडे देने की अवस्था होती है उस समय पर भी इनका रोल होता है। और जो हमारी एनल ओपनिंग है मीन्स फर्स्ट हमारा जो माउथ की ओपनिंग है वो तो हेड वाले रीजन में होगी, लेकिन जो लास्ट वाली एनल ओपनिंग है वो हमारी कहाँ पे होती है, डायरेक्टली बिलो एपिप्रोकट, जो हमने अभी अभी एपिप्रोकट देखा है, जो ट्रेंगुलर डोर्सल प्लेट होती है 11th सेगमेंट पे, उसके डायरेक्ट नीचे, एपिप्रोकट के डायरेक्ट नीचे हमारी एनल ओपनिंग होती है, वहां से एनल हमारा ओपन होता है, ठीक है। और जो प्री जेनेटिकल अपेंडिजेस होते हैं ये मेनली टेरीगोट्स में अब्सेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं ए टेरीगोट्स में, ठीक है। और जो 11th सेगमेंट है उसके तीन प्लेट्स होते हैं, एक तो हमारी एपिप्रोकट होती है जो डोर्सल होती है एनस पे, और दो हमारी पैराप्रोकट होती है जो किसी भी साइड में प्रेजेंट होती हो सकती है एनस के। ये हमारा 11th सेगमेंट के बारे में था। अब हम बात करते हैं एक बार जो जेनेटिकल ऑर्गन है जो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें तीन वाल्व भी कह सकते हैं उनको। जो फर्स्ट वाल्व होती है वो ओविपोजिटर पे, वो कौन से भी डेवलप होती है 8th सेगमेंट पे फर्स्ट, और जो सेकेंड और थर्ड वाल्व होती है वो हमारी 9th सेगमेंट पे डेवलप होती हैं। फर्स्ट और सेकेंड वाल्व का क्या काम है, कटिंग एंड पर्सिंग ऑर्गन विद एन इंटरनल चैनल टू लेट डाउन द एग पास, मीन्स जहाँ से एग पास होते हैं वो आगे वाली जगह को खुरचने का काम करता है, काटने और फाड़ने का काम करते हैं जहाँ पे इंसेक्ट अंडे देगा। फर्स्ट और सेकेंड उसका उसमें रोल प्ले करते हैं अपना, ये सो फ्लाइज में मोस्टली देखा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें थर्ड वाल्व की तो ये एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओविपोजिटर का काम करता है, जो जो हमारा रिट्रैक्शन का प्रोसेस होती है उसके दौरान ये ओविपोजिटर को फोल्डेड रखने का काम करता है हमारा थर्ड वाल्व। टोटल तीन वाल्व हैं, फर्स्ट कौन से पे प्रेजेंट होगा, 8th अब्डोमन सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा, और जो सेकेंड और थर्ड है वो हमारे 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट और सेकेंड में किस में रोल प्ले करेंगे अपना, जिस टाइम एग दे रहा होता है, एग पास कर रहे होते हैं सामने अपनी जगह को क्लियर करने के लिए पर्सिंग और कटिंग का काम करेंगे, सो फ्लाइज इसका एग्जाम्पल है। थर्ड वाल्व हमारा एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओविपोजिटर को फोल्डेड रखने का काम करता है रिट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। एक बार फिर से डायग्राम देख लो अगर आपको कुछ चीज समझ में आई हो। ये हमारा पैरा एपिप्रोकट है ऊपर वाला रीजन, ये हमारे साइड वाले पैराप्रोकट है, ये हमारा ओविपोजिटर वॉल्व्स हैं, हमारे सरसी भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा अब्डोमन में से रिलेटेड बात थी। और किससे कंसर्न होता है, बेसिकली रिप्रोडक्शन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो इंसेक्ट का मेटाबॉलिज्म होता है उन सब को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है इंसेक्ट का अब्डोमन। ये हमारा सारा का सारा इंसेक्ट अब्डोमन के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।